पीयूष सक्सेना ऑलराउंडर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एंड पीयू। और आज मैं आपको बता दूँ, आज का वीडियो बहुत अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है, और सभी लोगों को, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली और ऐसे भी मेरी जितनी फैमिली, जितनी स्वागत है, सभी को दिल से हैप्पी करवा चौथ। और आप लोगों के पति की ढेरों हजार साल उम्र बढ़े, क्या होता है, जो भी होता है, सदा स्वागत। सारी जितनी स्वागत औरतें हैं ना, हमेशा सदा स्वागत रहे। और आज मैं व्रत हूँ, आप भी व्रत होंगे, लेडीज भी और जेंट्स भी होते हैं आजकल, बहुत से होंगे, बताना कौन कौन व्रत है, ठीक है? वैसे सभी होंगे। और आज का त्यौहार सबसे बढ़िया होता है, सबसे सबको पसंद भी होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। हम लेडीज अपने हस्बैंड के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं और हस्बैंड भी रखते हैं, ठीक है? तो मैंने भी रखा है और नहा धो के मैं पूजा कर चुकी हूँ, मेरा व्रत आरंभ हो गया है। इस व्रत में, मतलब इस व्रत में क्या, कोई भी व्रत हो, अगर जितनी जल्दी आप नहा लेते हो उसी समय से आपका व्रत आरंभ हो जाता है। तो पानी नहीं पिया जाता है, मेरा जल रहा जाता है, आप लोग को पता है। तो मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये डबल बेड करवा दिया पूरा, ये देखिए, ढक्कन बाहर वाला था वो भी अंदर करवा दिया, आप सिंगल नहीं, पूरा डबल बेड हो गया है। तो आज ना वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, पहले से आप लाइक कर दीजिएगा। अगर न्यू आए हैं तो मुझे सपोर्ट और अपना सपोर्ट प्यार देने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। पूरी करवा की पूजा हमारे यहाँ कैसी होती है, क्या बनता है, विधि विधान, पूरी पूजा पाठ आपको देखने को मिलेगी और मेरा प्यारा सा वीडियो देखने को मिलेगा, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर होगी। तो बने रहिएगा सुबह से लेकर अभी मेरे यहाँ, कितना टाइम हो रहा है, हाँ 10:30 हो रहा है ना, हाँ 10:30 हो रहा है, तो समझ लीजिए 10:30 का टाइम हो रहा है। और आप सोच रहे हो अभी ना आया है, तो हाँ काम भी करना होता है ना, सभी को काम करना होता है, टाइम इतना हो ही जाता है। और सारी साफ़ सफाई पूजा में, तो साफ़ सफाई करके उसके बाद सारा चीज़ नहाना धोना होना होता है। तो इस पूजा में ऐसा भी नहीं, पूजा पाठ नहा लो बाद में साफ़ सफाई करो, ऐसा तो होता नहीं, साफ सफाई करो फिर नहा दो। तो ये सब काम हो गया है और बने रहिएगा। और 10:30 और पूरी रात में जितने बजे चांद वान निकलेगा, जो भी होता है ना, सारी चीज़ें आपके साथ, आज सारा दिन का ब्लॉग रहेगा, बने रहिएगा, सारा दिन का ब्लॉग देखिएगा और क्या क्या बनाऊँगी, क्या क्या होता है, सब कुछ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा, मिलेंगे थोड़ी देर में, बाय बाय। तो गाइस, मैं ना ये मेहंदी लगवा रही थी, एक बिटिया मिली थी मुझे, पार्क है ना हमारे बगल में, तो पार्क में मैं गई थी, तो बहुत प्यारी बेटी मिल गई। और उससे मैंने बोला मेरे एक हाथ में मेहंदी लगा दोगे, तो उन्हें बोला बिल्कुल लगा देंगे। तो बहुत प्यारी अच्छी बेटी थी, चेहरा नहीं दिखाया मैंने, ये आपको उसी ने मेरे हाथों में, मतलब एक उल्टा हाथ पड़ता है ना उसमें मेहंदी लग नहीं पाती, तो बेचारी मैंने बोला तो उसने मेरे हाथ में मेहंदी लगा दी। और देखिए ऐसे टिक्कुल रख लेते थे अभी ना उसने डिज़ाइन बना दी, अभी एक हाथ में तो लगा लेते हैं लेकिन दूसरे हाथ में नहीं लगा पाते हम। तो आप देखिए अच्छी लग रही है ना। और इधर मैंने अपनी मेहंदी लगा ली, मैं भी ये मेहंदी वाला वीडियो करवा चौथ की रात एक दिन पहले का है, तो मैंने अपने हाथ से अपनी भी लगा ली, मेरी भी मेहंदी लग गई और थक गई थी, भाभी भी आई थी, तो छोटे लिए भाभी को भी मेहंदी लगा के उनको भेज दिया था, खाना बनाया, जल्दी जल्दी उल्टी सीधी लगा ली, ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाई, बस ऐसे ही ऐवी लगा ली फटाफट से, ठीक है, क्योंकि ठंड भी लग रही थी। ये वाली मेहंदी छुटा दी थी, ये शाम को लगी थी ना, तो रच भी गई थी, तो इसमें लगा रहे हो, ठंड भी लग रही थी, फटाफट लगाई। अभी ये ना वीडियो करवा चौथ का है, जिस दिन करवा चौथ था, जैसे कि देखिए मेहंदी भी रच गई है दोनों हाथों की। और ये मैं पीस रही हूँ चावल पिन्नी बनाने के लिए, हमारे यहाँ पिन्नियाँ बनती हैं चावल की, नए चावल को धो के भिगो कर पीस लिया, अभी ना इनको रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ब्राउन कलर में कर लेंगे, इसकी बनाएंगे पिन्नी। इसको ब्राउन करने के बाद मैंने चीनी को भी पीस लिया था थोड़ा सा, तो चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मावा ऐड कर देंगे, अभी सूखेगा नहीं, लेकिन हाँ जैसे चीनी गरम गरम में करेंगे ना तो चीनी पिघल जाएगी, तो फटाफट से सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा,
फिर ये आराम से बन जाएगी। थोड़ी देर छोड़ा, उसके बाद देखिए ये ऐड हो गया था पूरा, चीनी पिघल गई, तो फिर अच्छे से लड्डू जैसे बन गए। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पुजापा की पूड़ी बनती, कुचिया कही जाती, तो छोटे छोटे बतासे जैसी पूड़ियाँ, मतलब 14 जोड़े से बनती है ना, तो 14 बनानी पड़ती है। तो ये पहले ये सारी चीज़ें बना के निकाल देते हैं, उसके बाद हम खाना की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए बहुत साफ़ सफाई से पूजा का सामान पहले मैं बना के निकालती हूँ, ताकि इससे किसी को दिक्कत ना हो। और बाकी जो खाना बनना है नॉर्मल सा, वो खाना मैं बनाऊँगी बाद में। ये बन गया है, इधर पिन्नियाँ भी तैयार हो गई है, और ये छोटी छोटी सी पूड़ियाँ भी तैयार हो गई बताशे जैसी। देखिए लग रही ना कितनी प्यारी सी, इतनी छोटी सी, आप देखिए। अभी ना मैं छौंक रही हूँ यहाँ पर सोया मेथी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, कुछ भी बना लो, सोया मेथी की सब्ज़ी, पूड़ी बना लो, और रायता बना लो, पुलाव चावल बना लो, छोला बना लो, पनीर मटर की सब्ज़ी बना लो, मटर आलू बना लो, कुछ भी। तो मैंने ये सोया मेथी की सब्ज़ी बनाई थी और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई। इधर मैंने सोया मेथी छौंक दी और इधर मैंने आलू मटर की भी सब्ज़ी छौंक दी। फटाफट करना था तैयारी, क्योंकि टाइम धीरे धीरे तैयारी करते करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि तैयारी तो बहुत सारी करनी होती है ना, एक के बाद एक करना होता है। तो इधर तो पूजा का हटा दिया था, और ये मसाला डाला, रोज वाला मसाला डालने के बाद मसाला भी हो गया है। अभी मैंने आलू मटर डाल दिए, जो था मैंने वो बनाया। मेरे यहाँ कढ़ी चावल बड़ा पकौड़ी ये नहीं बनता है, पक्का खाना बनता है। तो पक्के खाने में आप सब्जी पूड़ी कुछ बना लीजिए, जो आपके पास हो वो बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं खाना बनाने के बाद मैं तुरंत आ गई करवई को तैयार करने, क्योंकि इधर भी जब तक सब्जी हो रही जब तक हम ये कर लेते हैं। और मेरे यहाँ एक जो मिट्टी वाला होता है उसमें पानी जल रखा जाता है, और इस वाले करवे में पैसा मीठा लइया चढ़ा जो भी होता है, चूना चूड़ा उड़ा और पिन्नी और पूजापा पूड़ी ये सब रखा जाता है। और यहाँ पूजा की थाली भी तैयार कर ली है, छन्नी भी तैयार है, सब कुछ तैयार कर लिया, क्योंकि ये भी अपना ही करना है, अकेले ही करना है सब कुछ, तो एक एक काम निपटाते जाते हैं। और इधर जहाँ पर मैं पूजा करूँगी ना, वहाँ पर भी मैंने बना लिया था जो चावल का आइपन से पहले हमने उसको लीप लिया, और फिर रंग से ना आलते से रंगोली टाइप का बना लिया अच्छा सा, तो चावल का बनता है। यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ भी बनाई थी और आलू की कचौड़ी बनाई थी, बहुत दिन बाद सब बन रहा था, तो लगा कि आलू की कचौड़ी बना दें, बच्चे भी खा लेंगे अच्छे से, तो काफ़ी दिन बाद बनाना, तो मैंने सोचा बना देते हैं दोनों चीज़। कचौड़ी वैसे बनाते हैं, कभी दाल की बनाते हैं, कभी आलू की बनाते हैं, लेकिन अब की बार आलू बनाए, मुझे तो आलू की ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी आलू को ज़्यादा पसंद है। ओनली हमारे यहाँ पापा है ना, उनको सिर्फ कचौड़ी दाल की ज़्यादा पसंद है, खा लेते हैं आलू की भी खा लेते हैं, लेकिन दाल की ज़्यादा पसंद है, और हम लोग इसकी बहुत पसंद है। यहाँ पर फ्राई कर लिया है, और यहाँ कचौड़ी पूड़ी सब बनने के बाद मैंने पैरों में रंग लगाना शुरू किया, अब अपनी खुद की तैयारी। और पैरों में रंग लगाया और नई बिछिया पहनी, सब कुछ नया पहना, मतलब बिछिया मेरी ये एक जोड़ी नया रख देते हैं ताकि त्यौहार में अच्छा लगता है ना पहनने में। तो यहाँ पर मैं नेल पेंट भी लगा रही हूँ, ये देखिए आप लोग, और हाथ में भी नेल पेंट लगा रही हूँ। अभी पूरा गेटअप आपके साथ दिखाऊँगी, पूरा गेटअप देखने के लिए आप रेडी रहिए। चूड़ियाँ भी, चूड़ा भी पहन लिया मैंने हाथों में, देखिए। और यहाँ पर जैसे हमारी सिस्टर ने बोला था, सिस्टर लोगों ने बोला था ना, तो जैसे कि मेरी सिस्टर लोगों ने बोला था ये रेड वाली साड़ी पहनना, मैरून वाली, तो मैंने वही पहनी आपके कहने पे। पिछली बार मैंने गोद भराई की साड़ी पहनी थी, अब की मैंने शादी की साड़ी पहनी, ये मेरी शादी की साड़ी है। और वैसे तो मैं ना वो ग्रीन वाला क्रॉप टॉप पहनने वाली थी, लेकिन मैंने आप सबकी मन की बात जानी, मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लेते हैं, और आप हमारी प्यारी सी सिस्टर हो, आप जो कहोगे वो, वैसे भी रेड और मैरून ही चलता है मतलब इस त्यौहार में, तो आप लोग का कहना भी सही था, और मैंने पहन लिया आपके कहने से, क्योंकि मैंने जब पूछा है आपने बोला है तो पहनना तो बनता ही है, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी सिस्टर हो। कैसे लग रहे हैं अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं पूरी तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ एकदम, आप चलते हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए मैं अकेली हूँ, मेरे बगल में है सब, वो अपने द्वारे कर रही है, मैं अपने द्वारे, क्योंकि यहाँ पर जो नया घर है, न्यू घर है ना, तो यहाँ तो पहली बार पूजा कर, मेरा तो पहला करवा चौथ है यहाँ पर, मतलब
जहाँ मैं नया आई हूँ, और यहाँ पर आप देखिए अब अच्छे से भगवान जी सब सजा लिया है, फूल वूल अर्पित कर दिया, दिया भी प्रज्वलित कर दिया है, और यहाँ पर धूप बत्ती दिया वगैरह सब कुछ प्रज्वलित कर रही हूँ और कथा पढ़ूँगी। तो आप देखिए और टीका लगा रही हूँ भगवान जी को, गौर माता को सिंदूर दे रही हूँ, टीक रही हूँ क्योंकि गौर माता को सिंदूर दिया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि लाइट उधर की तरफ है, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही थी, पूजा कर रही थी, कथा पढ़ रही थी जैसे आप देख रहे हैं, और कथा भी मेरी पूरी हो गई। यहाँ पर गणेश भगवान की आरती कर ली, और यहाँ पर करवा अदला बदली करी जाती है ना, तो ये वही अदला बदली कर रहे थे, करवे को इधर से उधर करा जाता है 7 बार, तो वो कर रहे थे यहाँ पर, ये देखिए। और ये हो गया जब तक चांद आता ना जब तक, और यहाँ पर ये करवा लेके गोल गोल घूमा जाता है, आरती की जाती है और गोल गोल घूमा जाता है, तो वही घूम रही थी देखिए। और यहाँ पर लट धोवन जिसको बोलते हैं, तो जिस कर्म में जल था उसी से लट धोवन कर रही हूँ। और ये पान जल जो है, वैसे लड़के से जल डलवाया जाता है लेकिन बाबू ने कैमरा संभाला था तो इन्होंने ही डाल दिया, तो आई उससे डलवाते बड़े बेटे से लट धोवन पानी, तो लेकिन इन्होंने डाल दिया, कोई बात नहीं, जैसे बेटा कहीं जाता तो हस्बैंड से भी पानी डलवा सकते हैं। और चांदी की चीज़ लेकर लट धोया जाता है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करा जाता है, अपने परिवार के सुख के लिए कामना करा जाता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, चंदा मामा को भी अर्घ दे रहे थे, और यहाँ पर खुद भी सिंदूर ले रहे थे, मतलब सुहाग ले रहे थे गौर माता से, गौर माता को दे भी दिया था, पहले दे दिया था, और उसके बाद उनसे ही छुआ के 7 बार सुहाग लिया जाता है, तो वही मैं सुहाग ले रही थी। सारी पूजा मेरी यहाँ पर संपन्न हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए चांद को देख रहे हैं छन्नी से जैसे देखा जाता है, और उनको जल अर्पित कर रहे हैं चांद जी को, बहुत देर में निकले हैं, इंतज़ार कराया हमारे चांद ने। और ऐसे तो हमारे चांद आ गए थे लेकिन हाँ जो पूरी दुनिया के चांद है ना, तो वो उन्होंने इंतज़ार, आज तो इंतज़ार कराते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ उनकी आरती कर रही हूँ मैं, चंदा मामा की आरती कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। अब पेड़ों के पीछे से दिखे थे, और यहाँ अभी आ गई अपने चांद की पूजा करने की, तो यहाँ पे जैसे सभी करते हैं वैसे मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पर टीका लगा दिया, हार पहना दिया, और क्या कर रही थी मैं तो भूल भी जा रही थी बार बार और क्या करना था, तो अभी मीठा खिलाकर, हाँ फूल वूल भी डाल दिए और मीठा खिला के पानी पिला दूँगी। आरती ये उल्टा नहीं है, ये सीधा ही कर रहे हैं, मैं कैमरा ऐसा चल रहा है ना तो वो वैसा आप लोगों को लगेगा उल्टा कर रहे हैं, उल्टा नहीं कर रहे, सीधा कर रहे, कमेंट मत करना क्योंकि फ्रंट कैमरा चल रहा था। और यहाँ पर चांद देख कर अपने चांद को देखा छन्नी में, ये देखिए हमने स्माइल तो करो, थोड़ा सा लाइट की कमी थी गाइस, क्या करें, समझ सकते हैं आप लोग, छत पर कितनी लाइट, छत नहीं है आंगन है, हमने इनको देखा, इन्होंने हमको छन्नी से देखा फिर। और यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया अपने चांद जी का, देवता जी का ना, पति परमेश्वर जी का क्या बोलूँ। अभी मुझे ये पानी पिला रहे जो मेन व्रत होता है ये, है ना, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊँ रानी, हाँ ये वाला गाना है ना, यही गाना तो ये गाना है। और यहाँ हम लोग आ गए पापा के पैर छूने, आशीर्वाद लेने पापा के, तो यहाँ पापा के पैर छू लिए, बच्चे भी पापा के पैर छुए, और दोनों बच्चों ने हमारे पैर छुए, मम्मी पापा के अपने मतलब आयुष पीयूष दोनों ने पैर छुए। और
चांद देख लीजिए आप लोग भी। अब चलते हैं कमरे में, बहुत अंधेरा अंधेरा हो गया है, चांद को पूरा आप देखिए। और कितना सन्नाटा हो गया, सारे लोग पूजा करके अपने अपने कमरे के अंदर हो गए, देखिए है ना कितना साय साय हो गया। अभी तक बहुत रौनक थी, सब अपने अपने जगह ही कर रहे थे। तो अब चलते हैं अंदर, फिर आपसे मिलते हैं। और पापा लोगों को खाना पहले दे दिया था, तो पापा पहले खाना खा रहे थे, पापा लोगों को खिला दिया खाना। चलिए तो गाइस, सारी पूजा संपन्न हो गई है, पूजा पाठ खत्म हो गई है। और अब हम लोग चेंज वेंज करेंगे, मैं चेंज करूँगी क्योंकि रोज पहनते नहीं है इतना ना, तो थोड़ा भारी पहन लग रहा है, तो अभी चेंज करूँगी। फिर हम सब खाना खाएंगे, आप सब भी खाना खा लीजिए जाके, ठीक है। नहीं आप लोग भी खाएंगे ही ना आज के दिन सब लोग, क्योंकि खाना से ज़्यादा पानी के लगता ना, आज गर्मी थी पानी का भी लग रहा था। और क्या लाए मेरे लिए, गिफ्ट लाए मेरी फेवरेट चॉकलेट डेरी मिल्क। आपको क्या मिला आप भी बताना कमेंट करके, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो सॉरी, लेकिन कमेंट जरूर करना और पूरा वीडियो वॉच करना, ठीक है। कर लिया करो कभी कभी, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लिया करो, वीडियो पूरा देखा करो, अच्छा लगेगा आपको हमारी लाइफ से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, और जुड़े रहा करिए, जब हम एक फैमिली बन चुके हैं तो लाइफ से हमारे जुड़ेंगे, हमारे ब्लॉग से जुड़ेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत सारा प्यार फिर से एक बार, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली, हमारी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, सभी को दिल से सदा स्वागत है। उनके पतियों की खूब आई हो, लंबी हो, हैप्पी करवा चौथ, बोलो खुद तो बोलो, ये कुछ बोल ही नहीं रहे कैसा लग रहा है यहाँ बन के, कैसा लग रहा है नेता जिला कौन वाली फीलिंग आ रही, राजा की नेता वाली देवता वाली आ रही होगी, है ना। इस समय आज तो पति लोगों को देवता ली और हम लोगों को महारानी वाली, ये कोई बात नहीं, नई दुल्हन वाली अच्छी लगता है सबका, अच्छा फीलिंग और अच्छा हैप्पी भी हैप्पी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर, बच्चे देख लीजिए, बच्चे हैं बैठे हैं ये सब, हाँ अभी पापा बाहर है, क्योंकि अभी मैं ऐसे बैठी हूँ तो उसका मतलब पापा बाहर है, पापा बाहर कुर्सी में बैठे हैं। अभी ब्लॉग बंद करूँगी और सब खाना खाएंगे, ठीक है। और सब कर दीजिएगा, जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिन प्यार करते उनका ख्याल रखिए। ओके फैमिली, लव यू, बाय 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 बाय।